भाई पिछले 3 दिन से हमको राजामौली सर की टीम जिस चीज के लिए तैयार कर रही थी फाइनली वो आज रिलीज हो गया। इंडिया की अब तक की सबसे महंगी फिल्म RRR यानी राइज रोर रिवोल्ट का ट्रेलर। करीब 350-400 करोड़ के बजट की इस फिल्म के बारे में पहले तो भाई साहब हमको ये बताया गया कि आज सिर्फ थिएटर में ही ट्रेलर रिलीज होगा, ऑनलाइन कल शाम को 4 बजे होगा। ये सुनते ही जियो का रिचार्ज करा के बैठे फैंस को वैसा ही फील हुआ जैसे रन फिल्म में विजय राज को हुआ था। इसका ट्रेलर देखने के लिए ही महंगा प्लान करा कर बैठे थे कि सह लेंगे थोड़ा वाले मोड में, लेकिन ये तो छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दीस बे। एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दी, जिंदगी बदल दी। दूसरी तरफ थिएटर में बैठे लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड करके ट्रेलर की फुटेज ऐसी आग लगाई कि फिल्म के मेकर्स को मजा ही आ गया होगा। मतलब फैंस का कहना था कि हमने किसकी GST मार ली है या किसकी भैंस खोल दी है कि हमको ये पनिशमेंट दी जा रही है। मतलब यूट्यूब पर आंखें टिका के बैठे लोगों की तो आंखें बाहर निकल आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि कैमरे की लेंस और फिल्मों के फैंस, इसके सामने वही करना होता है जो चाहते हैं। बस थिएटर में रिलीज होने के 1 घंटे बाद ही ऑनलाइन भी इसे रिलीज कर दिया गया और पूरे ट्रेलर को देखकर 3 बातें एकदम साफ मालूम पड़ती हैं, विजुअल्स, मास और एक्शन। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में भाई साहब बताते हैं कि जब गवर्नर स्कॉट अपनी फैमिली के साथ आदिलाबाद आए थे तो अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी ले आए थे। वो बच्ची बिलोंग करती है गोंड कम्युनिटी के लोगों को, जिनका असली वाली आजादी की लड़ाई में बहुत भारी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तीर कमान और पत्थरों के साथ लड़े थे। अभी सीन के बाद भयंकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जंगल में भागते दिखते हैं जूनियर NTR। जी हाँ, एक फ्रेम में तो भाई साहब सीधा शेर के मुंह के सामने दहाड़ते नजर आते हैं। शेर का भी कहना होगा हाँ हाँ पहले तुम कर लो, हम जी का नहीं रहे भाई। इसके बाद बैकग्राउंड का डायलॉग है कि शेर को पकड़ने के लिए शिकारी चाहिए और वो शिकारी होंगे ऑब्वियसली रामचरण, जिसके बाद पुलिस की वर्दी में वो दिखते हैं। हमें तो लगता है रामचरण इसके सेकंड हाफ में रिबेल बनेंगे, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ता है, कई सारे फाइट सीक्वेंस है, गाड़ी से उड़ते अंग्रेज बुढ़ऊ है, NTR और रामचरण की दोस्ती है, अजय देवगन आलिया भट्ट भी है। लेकिन असली पैसा वसूल सीन आता है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, जब रामचरण और NTR मिलकर लड़ते दिखाई देते। मतलब भाई साहब 100 करोड़ तो बस उसी सीन के लिए ही लगा दिया होगा। एक्शन सीन देख के बदन में सुड़सुड़ी छूट गई, उड़ते तीर, उछलती बुलेट और जलती आग साफ बता रही है कि इस फिल्म को बाहुबली से भी बड़े स्केल पे बनाया गया है। वैसे भी राजामौली सर वो इंसान है जो इतने बड़े लेवल पर शूट करते हैं कि सारे लेंस छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन ट्रेलर की टीम जो सबसे खास बात है विजुअल्स, फाइट सीक्वेंस एंड मास ऑडियंस, सब मिलाकर ट्रेलर का आ जाना फैंस के लिए 16 सोमवार के व्रत के सफल होने जैसा फील दे गया है। ये फिल्म इसी साल आ जाती लेकिन इससे पहले कोविड आ गया और इसके बाद तो भाई साहब सबका हिसाब गड़बड़ा गया। वैसे आपको क्या लगता है, फिल्म बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी क्या? इसका ट्रेलर KGF का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। सी यू सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।